राधे राधे, कैसे हो? आपको सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं खोआ की कतली बना रही हूँ। देखिए, अब इसमें एक गिलास मैंने पानी डाल दिया है और अब मैं इसमें एक किलो आइस मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें एक गिलास पानी डाल दिया है मैंने। और देखो, अब मैंने ये खोआ बना के रख लिया है। पहले इसमें बीज भी भून के रख लिए हैं खरबूजे के, और ये मैंने गोला कस के रखा है। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी, चीनी की चाशनी बनाऊंगी। पहले चीनी की चाशनी बना के बाद में इसमें खोआ जाएगा। पहले चाशनी बनेगी, फिर उसके बाद खोआ डालूंगी इसमें। ये चाशनी बन के रेडी हो चुकी है, अब मैं इसमें खोआ डालती हूँ। खोआ और इसमें बीज है खरबूजे के। देखो, अब इसे मैं मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद अभी मैं इसमें गोला कसा हुआ रखा है उसको डालूंगी। देखिए गाइस, ये इसमें डाल दिया मैंने। अब मैं इसे चलाऊंगी, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा ये अच्छी तरीके से। ऐसे भी मिक्स करना बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। जब इसकी बर्फी जमेंगी, ये मिक्स हो रहा है अब, फिर इसकी मैं कतली जमाऊंगी। अभी थोड़ा सा इसे इसी कढ़ाई में ही चलाते रहना है, चलाते रहना है, अभी ये चलता रहेगा। अब मैंने ये नारियल कसा था वो डाल दिया। अब ये थोड़ी देर अभी चलेगा, उसके बाद इसमें घी लगाऊंगी मैं परात में, थाली में, उसके बाद में से। देखो गाइस, ये बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें थाली में और इसमें परात में घी डालूंगी थोड़ा सा। ये घी डाल दिया मैंने, और तो घी डाल के मैं अब इसे इसमें डाल के बर्फी जमाऊंगी। ये घी डल गया, तो मैं इसे निकालूंगी इसमें से घी निकल। अब ये इसमें थालियों में डाल दिया थोड़ा थोड़ा। इस तरीके से डाल दिया इसमें, ये डाल रही हूँ मैं इसमें इस थाली में। ये हो गया, मैं इसमें परात में डाल ली हूँ इसको। परात में जा रहा है, तीनों थालियों में करके रख दिए। अब इस जम ठंडी होके जम जाएगी जब मैं इसे आपको काट के दिखाऊं।